गांधी हॉस्पिटल जो है वो भगवान मालिक है ऐसा लग रहा है। कैश काउंटर के जो लोग हैं वो सोते पाए गए। गार्ड जो हैं वो सो रहे हैं। आधी रात की गांधी हॉस्पिटल की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा, आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। लगातार आती खबरों के अंदर हमने बताया है, शिकायतें जो है हमें कंटिन्यू बेसिस में मिल रही हैं कि यहाँ पे जो है पर्ची काउंटर वाले सोते मिलते हैं। हमने लाइव जो है वो न्यूज़ बनाई है और हमने लाइव रिपोर्टिंग करी है और आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। जहाँ इमरजेंसी काउंटर है उसमें भी जो है लोग सोते पाए गए, इसके अलावा जो है मेन काउंटर में भी जो है लोग सोते पाए गए और नर्सिंग अधीक्षक से शिकायत करी है और बिना मास्क के ही जो है वो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में बिना मास्क लगाए जो है वो मिल रहे हैं। नर्सिंग अधीक्षक खुद बिना मास्क के हैं। तो ये आने वाले टाइम में ये कोरोना महामारी से बचाव कैसे होगा, यानी भगवान भरोसे ही MGH हॉस्पिटल है ऐसा नज़र आता है। क्या हुआ आपके काउंटर बंद है? काउंटर बंद है और काउंटर पे कोई है ही नहीं सर। रात को इमरजेंसी में कम आ गया। आपको क्या बोला काउंटर पे, क्या बोला? हमको बोला मैम 66 नंबर पे, तो मूर्ति को बोला 66 नंबर पे लगेगा। 66 नंबर पे आया तो यहाँ पे कोई नहीं। किसी काउंटर है ये? 66 नंबर काउंटर क्या कराना है? किस पे आया यहाँ पे सर? ये नंबर लगवाने, इसके ऊपर एक पर्ची के ऊपर नंबर लगता है, वो नंबर लगवाने हैं। भैया इस साइड में कह रहा हूँ ना। हाँ अरे उठ दे भाई, उठ के जवाब दे दे रहा। लेफ्ट में ना सो रहे हो आप? अरे उठ के जवाब दे रहा। लेफ्ट में नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो सर 2 मिनट आप आ जाओ सर। अरे यहाँ पे कौन है? कैश काउंटर रात भर खुला रहता है? कैश काउंटर तो खुला ही रहता है ना, 24 घंटे खुला रहता है। तो भी कोई है नहीं वहाँ पे? खिड़की में जाके देख लिया, कोई नहीं वहाँ पे है ही नहीं, अंदर कोई बैठा ही नहीं है। आप नंबर जल्दी यार। ठीक नहीं है, 24 घंटे का हेलो हुआ, ये सोते रहते हैं। पर्ची कहाँ से बनवाई थी? पर्ची कहाँ बनवाई? पर्ची कहाँ से बनवाई थी? अच्छा इमरजेंसी की बात। रात को काउंटर्स पे अवेलेबल नहीं मिलते लोग, कस्टमर्स हो रहे हैं परेशान। बाहर से ताला लगा पड़ा। ये कैश काउंटर पे ताला लगा हुआ है, कहाँ मरीज कहाँ परेशान होगा? यहाँ इसमें भी कोई नहीं है। लो भैया नंबर लगाओ। तो सो गए सर? सो क्यों? दो दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। 2 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है? 3 दिन से ड्यूटी में हूँ। आपकी ये और कोई नहीं आता है? सर पहले तो नंबर तो लगा दो सर यार। कोई और नहीं आता है? स्टाफ के ऊपर है भैया। अच्छा तो यहाँ अवेलेबल नहीं है कोई यहाँ पे? सोने तो कस्टमर मरीज परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या परेशान है? परेशान हो रहे हैं? नहीं हो क्या आप में? क्या चीज अभी तक हुआ क्या आपके? आए ना तीर से परेशान हो रहे हैं, बाद में 3 जगह बाहर जाके आए, अंदर जाके प्रॉपर्ली बता थोड़ी रहा इनको।
सही बात है, कई लोग आ जाए परेशान होंगे ना। आप किसी चाहिए भाई साहब? ई सी जी के लोग परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ सो रहे हो आराम से। भाई साहब कितने बजे? पूरे पूरे नाइट का है, पूरी नाइट का है ना यहाँ खुला रहता है ना पूरा। फिर और मास्क कहाँ है आपका? सो रहा था ना, देखा नहीं था क्या? तो आप मास्क लगा के उठते ना आप वापस, आप काउंटर पे मास्क लगा अब आए ना पहले कि खोटी हो रहे हैं ना, फिर इनकी भी तो हमको देखनी पड़ती है ना, तीन दिन हमको भी तो ड्यूटी। अरे भाई भाई नंबर लगा देते इस पे, पेशेंट वहां उनकी तबीयत ठीक नहीं तो तेरा नंबर लगा, ये अपना काम करेंगे। कितनी देर से परेशान हो गए यहाँ पे पूरे? एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। अभी आप पहले गांधी काउंटर पे गए, वहाँ गए वापस कर लेके आए, फिर सिस्टम चलता रहेगा तो सब कुछ काम होगा। क्या नाम आपका? मैं सर किशोर सोनी सर। किशोर सोनी जी, आप भाई साहब? ये छोटे भाई साहब है मेरे। अच्छा, और फादर की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अच्छा, फादर एडमिट है। मेरे फादर भी। अच्छा, आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द, ईसीजी का बोला नंबर लगा, आप नंबर के लिए देखो, मेरा 15 मिनट खराब हो गए। हाँ। और जब तक बैठ गया तुम तड़पते रहेंगे। सही बात है। अभी सिस्टम कंप्यूटर अभी चालू करें नहीं आता बस। ये देखिए गांधी हॉस्पिटल की जो अव्यवस्था है वो सामने आ रही है, परेशान हैं और मरीज रात भर परेशान होते हैं। हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी की जो सर्विसेज ओपन रहनी चाहिए और यहाँ पे जो है जो कैश काउंटर वाले वहाँ सोते पाए गए। गांधी हॉस्पिटल जो है वो भगवान मालिक है ऐसा लग रहा है, कैश काउंटर के जो लोग हैं वो सोते पाए गए। गार्ड जो हैं वो सो रहे हैं। ये कहाँ पे, कौन नर्सिंग अधीक्षक कौन? मैडम वो कैश काउंटर वाले जो बंद है, वो कैश काउंटर में कोई अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं कैश काउंटर में सो रहे हो तो आप देखिए ना, कैश काउंटर सो रहे हैं, मैं देखें एक बार देखें आप उनको बोले एक बार। मरीज ईसीजी के लिए परेशान हो रहे हैं, हमको आके बोला है तो हम आए हैं कि कैश काउंटर में जो है ये कैश काउंटर वाले उठाए क्या? आप सो रहे थे? क्यों सो रहे थे आप बताए? क्यों सो रहे थे? ईसीजी वाले उठना था ना, खुला रहा था भैया, तो हम लोग भी तो रूटी पे है, शिकायत थी अभी पता है सब कितनी लैब वाले काम हो रहे हैं। क्यों अब हम लोग आराम से उड़ के सो रहे, कंप्यूटर मीटर ऑफ करके सो रहे थे आराम से। कंप्यूटर कोई ऑफ नहीं था सर, अभी ऑन किया हमारे सामने, ऑन किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। इतने तो आप भी प्रेस वाले इतना तो झूठ मत बोले यार, ऊपर अभी आया ना भाई साहब, मेरे पास वीडियो है सर। नहीं ऊपर से आप सच्ची बता दी बात, आप सो रहे थे नहीं सो रहे थे? मैं मना कर रहा हूँ क्या? आप सो रहे थे नहीं सो रहे थे? नहीं मैं मना कर रहा हूँ क्या? आप सो रहे थे? मैं मना कर रहा हूँ क्या? सोने की परमिशन मैडम आप इनको? मैं
सोने की परमिशन है सोने की मैं पूछ रहा हूँ सोने की परमिशन है या नहीं? क्या नाम है मैडम इनका? इनका इनका क्या नाम है? क्या नाम है? मुकीम। मुकीम पूरा नाम बताएं। मुकीम अहमद। मुकीम अहमद किया था आवाज आई इतनी तेज किसने? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नुसरत परवीन। नुसरत परवीन जी, नुसरत परवीन जी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें ये चीज़ नहीं हो, हमारा पर्पस व्यवस्थाएं बने रहे। नहीं, मैं तो खुद अभी ये सो रहे थे, हमें आके बोला फोन आया उसके बाद हम आए, इसी जी के लिए 15-20 मिनट से परेशान हो रहे थे। झूठ आप भी मत बोले ना कि कंप्यूटर वगैरह बंद है, यूं है वो है। भैया सिस्टम आपने अभी चालू किया? सिस्टम सच्चे हो दिल का? भैया सिस्टम आपने चालू किया? आपके पास में अभी हुआ बस पर्पज है, अब गलती मान नहीं रहे आपने। देखो मेरी बात सोने की परमिशन किसने दी? मैं तो कुछ बोला नहीं, आप प्लीज नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर हमारा पर्पज है, फोन आया हमारे पास। तीन बार चक्कर काटे यहाँ से वहाँ आए, फिर यहाँ से बंद पड़ा वापस गए, दिक्कत तो समझते। मैं तो खुद जैसे ही फोन दो घंटी हुई है स्वीपर की प्रॉब्लम हो रही है इस बार त्योहार के कारण, अब वो परेशान। कैश काउंटर खुला रहे पर ढूंढा सारा फोन किया सब लगे, फिर मिला फिर उसको सर वो भी अब कोरोना के मरीज है उनका भी परेशानी। नहीं अभी कैश मैडम उससे कोई मतलब नहीं, काउंटर खुला रहना चाहिए और लोग सोते हुए नहीं मिलने चाहिए, मेक श्योर है। तो अभी इंश्योर करें वो एक बार देखी कर कुछ ये दिखेगा क्या नहीं दिख तो ठीक है, कुछ बंदे को उठा के लेके उसने बोला देखो मेरा मुझे सो रहे हैं तो नहीं तो हम तो भटकते रहते। सही बात है भाई, हमें 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 हम नंबर लगवा ही नहीं पाते। सही बात है, और जाते हैं कभी बार भटकते हो यही ऑप्शन होता है। नहीं नहीं आप तो अगर ऑन ड्यूटी है, अगर ऑन ड्यूटी है एज अ एम्प्लॉय अगर ऑन ड्यूटी काम कर रहा है गवर्नमेंट की खुद की गाइडलाइंस है, इस समय ध्यान रखना चाहिए और हॉस्पिटल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुद इस बात के लिए सहमत हूँ, मैं खुद ड्यूटी करती हूँ, मैं खुद अलर्ट रहती हूँ और उसके अलर्ट का मैम सो रहे हैं तो नहीं। अब ये तो कोई मुझे इन्फॉर्म करे, मैं मैडम आपको इन्फॉर्म करे, आपको चेक करना चाहिए, आप निकलते चेक करो, उनको बोलो ना। देखो अगर वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अगर वो 3 दिन से कंटिन्यू वर्किंग कर रहा है तो उसके थकान होने की जैसी बात है। अब 3 दिन नहीं लग रहा है मैम तो आपको दिखना चाहिए 3 दिन से एक आदमी ड्यूटी कर। भाई से खुद परेशान हो, भाई से भी आया अभी ढूंढा फिर बाद में बोला। देखो यार मैं तो कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक छोटा डिपार्टमेंट है, मेरी ख्याल से इस हॉस्पिटल के अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट बने होंगे। सही बात है, नाइट का टाइम है, कितने कितने लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं तो आज छोटा सा लोकल आदमी हूँ, मेरे अलावा भी कितने पेशेंट लोग होते हैं, कितने परेशान होते हैं। सही बात है, इन चीज का तो अरेंज होना ही चाहिए। ठीक है हम पहुंचे, अब देखो मैंने यहाँ नंबर लगवाया, उस नंबर लगवाने से पहले मेरे मिलने वाला ही था अंदर, उसने इसी जी कर दी। करें मैडम को मास्क लिया, मैडम लगा लें फिर बाद में इशू हुआ क्या मेरी बात सुनो। हाँ यहाँ नंबर लगवाया 15 मिनट हुए तो मिलने वाला था, उसने पहले इसी जी कर दिया, अगर वो नहीं होता तो वेट करता ना, अगर नंबर लगवा कहेंगे भाई साहब तो मैं इसी जी करूँगा। सही बात है, ये तो बात। वो भी सो रहे थे क्या नाम काउंटर पहले, अब जाके देख लो अभी सो रहे होंगे। इंक्वायरी वाला नहीं, कौन से भाई राइट हैंड साइड में कौन सा है? ये वो पर्ची काउंटर कहाँ पे? इधर एक मिनट देखें आप, एक बार देखो मैम, देखें देखें एटलीस्ट कहें उनको। नहीं आप लिखे हो, आप ड्यूटी है, मैं तो बीच में अभी वो घूम रहा है, इसको पूरा ढूंढ के सर्च करके। ये भी सो रहे हैं नहीं, दो बॉडी होगी ना। आप भी सो रहे थे वैसे? हाँ सो रहे थे, आप भी नींद खींच रहे थे, मत खींचा करो रात को, कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं क्या? कस्टमर रात को कंप्लेंट करते हैं, सो मत ठीक है ना। नहीं,
मैम पुलिस वाले बात थोड़ी पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी जाएगी नहीं मैडम उसका स्टाफ है ना मैं से बिना पूछे भेजेगी नहीं मोर्चरी में जाएगी बॉडी मेरी बात करवा देना अभी या तो मैं इधर इनक्वायरी के पास खड़ी हूँ यहाँ फोन करवाना ये भी सो रहे थे वो भी सो रहे हैं वो भी सो रहे हैं बोलो इनको ले गया नहीं क्या फोन ये लाइट लगा के रख के अंधेरा बंद है सो रहे हैं लाइट बंद कर रखी है ये लाइट किस लिए बंद करी भाई साहब क्या लाइट किस लिए बंद करी प्रतीक जी हैं लाइट बंद करने की किसने कहा आपको सर और सो क्यों रहे थे आप ड्यूटी करो ना आप इनको आप नेक्स्ट टाइम से करें कि भी बोलो जो है वो लाइट लगा के लाइट बंद पड़ी है और बाहर का वो जो दवाई वाला काउंटर है हाँ दवाई वाला काउंटर भी बंद पड़ा है सरकारी वाला काउंटर खुल रहा था सरकारी वाला जो काउंटर है नहीं नहीं लेकिन बंद तो है ना रात को तीन में से एक खुलता है ना रात को तीन में से एक खुलता है रात को छुट्टी वाले दिन क्या टाइम का होगा रूल वो डिपार्टमेंट ये क्या नहीं है वो है वो चलो ठीक है उठ रहा है टाइम पे पर्ची वर्ची काट रहा है कर रहा है ठीक है नहीं उठना बढ़िया कौन सा काउंटर है ये वाला आप एक बार देख लो ना ये रेडी उठ रहा है सो रहा है क्यों उठ रहा है खाली बैठिए बेटा ये लाइट किस लिए ऑफ कर गए लाइट किस लिए ऑफ की खालिद भाई खालिद भाई लाइट क्यों ऑफ है लाइट जलाते हैं क्यों वो नींद में भी मैडम बात करें लाइट जलाते हैं क्या खाली इमरजेंसी वाइड की जो है पता तो रहे जग रहे जला लेना लाइट लोग आए तो काउंटर है कैश काउंटर है पट्टी का काउंटर है और सोने की परमिशन किसने दी इनको कहने के बाद नहीं जला रहा भैया लाइट क्यों ऑफ कर रखते हो हेलो ये लाइट क्यों ऑफ कर रखते हो लाइट जला हेलमेट क्यों लगा के यहाँ पे ये कैश काउंटर पे हेलमेट क्यों लगा के हेलमेट क्यों लगा के बोले ना आप उनको तो कुछ कर रहे हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हो तो कहाँ रखेंगे मतलब सोने किसने बोला आपको किसने बोला सोने के लिए आपको ड्यूटी करते हो सोते हो बैठ उनका एटीट्यूड देखो ना अभी तो अभी कोई इनको वो थोड़ी ना आ रहा है कि भी दो जने ड्यूटी नाइट ड्यूटी में कौन है ओ भाई और वो कौन सो रहा है यहाँ कैसे आया है क्या है भाई यहाँ सोने के लिए यहाँ से हटाओ इनको इसकी ड्यूटी है क्या यहाँ पे मैडम परमिशन नहीं तो सो गए सर यहाँ पे कौन है इसकी ड्यूटी है क्या पता नहीं सो रहे कोई भी सो जाएगा यहाँ पे सुरेश है तो कौन सुरेश है स्टाफ ही है इसके दादाजी एडमिट है भाई है
यहाँ कैसे सो रहे हो आप? सीएस काउंटर पे ड्यूटी है मेरी। कहाँ पे ड्यूटी है? सीएस काउंटर पे ड्यूटी है, मैं आज ड्यूटी पे हूँ, मेरे दादाजी बर्थडे के लिए। अच्छा, तुम आज आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? कैश काउंटर पे? नहीं नहीं, कैश काउंटर पे बैठा ना लड़का वहाँ। अब यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या दादाजी बर्थडे ना, तुम वहाँ सो ना, वापिस जाओ, यहाँ मत आओ। बोला था तब तक वो उठ गया। आप आए थे तब लाइट लाइट जल रही थी, नहीं चल रही? लाइट बंद थी, लाइट बंद, सो रहे थे, सो रहे थे आराम से। चार बार इनको आवाज दी तब इन्होंने खोला है, मतलब वो बोल के पर्ची बनाई है। अभी एडमिट है तो वहाँ बगे। हाँ, मेरे भैया को लेके आए। अच्छा, भैया को लेके आए। उसको चेस्ट में पेन हो रहा था और तो वहाँ गया, वहाँ पर्ची नहीं, फिर वापस यहाँ आया। अच्छा, आया फिर उनको उठाया। हाँ। तब ये उठे और उसके बाद उन्होंने पर्ची कटाई। चार बार आवाज दी, चार बार आवाज दी। लाइट वाइट बंद करके सो रहे थे? लाइट बंद करके सो रहे थे आराम से। कैश काउंटर पे, वो जो भी पर्ची वाले काउंटर पे, पर्ची वाले काउंटर पे, पर्ची काउंटर है ये। हाँ, जिसमें ये आपका ट्रॉमा, इमरजेंसी की पर्ची, इमरजेंसी का पर्ची काउंटर है, वहाँ भी सो रहे हैं मतलब। अच्छा, आप देखो ना, इमरजेंसी पर्ची काउंटर पर कोई नहीं है, यहाँ तो होना चाहिए एनी टाइम। हाँ, सिर्फ सरकार के आदेश है, सरकार के आदेश है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है इमरजेंसी। और जिस टाइम ये जो महामारी चल रही है उस हिसाब से कभी भी आना, हर मतलब अलर्ट रहना चाहिए। सिटी का सबसे हार्ड हॉस्पिटल है ना, मेन हॉस्पिटल अलर्ट रहना चाहिए। सही बात है, आज रात को भी कोई आएगा वो आएगा इमरजेंसी में ही आएगा। ठीक है, जोधपुर के बंदे कोई बाहर से भी आ जाए। हाँ, बाहर से आ जाए, सही बात, तो आप क्या करोगे? सही बात, कहाँ जाएगा, किसको पूछेगा? देखिए, काउंटर अब हमने बात करी है, जैसा काफ़ी मरीज परेशान हो रहे थे, और अब जो है ये कैश काउंटर जो है पर्ची वाला काउंटर खुला है और सोते हुए लोग जगे हैं, और ये ड्यूटी पे जो अब देखो, अब लाइट वाइट भी जला दी, पहले लाइट वगैरह जो है पूरी ऑफ रहती है, और आराम से दोनों काउंटर पर्ची काउंटर सो रहे थे, और मरीज़ रात भर परेशान थे। हमें काफ़ी शिकायतें मिली यहाँ से, उसके बाद आके हमने जो है ये खबर बनाई है।